दोस्तों Realme Narzo 10 का सक्सेसर यानी कि Realme Narzo 20 Pro बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिलने वाला है और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं इस Realme Narzo 20 Pro के बारे में और क्या होने वाले हैं इस डिवाइस के कंफर्म स्पेसिफिकेशंस और ये डिवाइस हमें कब तक इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है अशरफ अली और आप देख रहे टेक स्टूडेंट्स, चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इस डिवाइस के परफॉर्मेंस को लेकर, तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G90T का एक पावरफुल चिपसेट देखने को मिलने वाला है, वो भी बजट प्राइसिंग के अंदर। दोस्तों ये प्रोसेसर तो हमें Redmi Note 8 Pro और Realme 6 के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं, तो नो डाउट के परफॉर्मेंस वाइज ये फोन काफी बढ़िया रहने वाला है। और साथ में बात करें दोस्तों इस डिवाइस के बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की एक बिग बैटरी दी गई है विथ फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ। यहाँ पर आपको 30 watts का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, वो भी बजट प्राइसिंग के अंदर। ये एक अपने आप में बड़ी बात है दोस्तों, ऐसा तो सिर्फ Realme ब्रांड ही कर सकता है। ऐसा क्यों दोस्तों, बाकी ब्रांड्स तो सिर्फ इस प्राइस पॉइंट पे 18 वाट्स फास्ट चार्जिंग देने के लिए ही सोचते हैं, लेकिन सिर्फ Realme ही ऐसा एक ब्रांड है जिसके अंदर आपको 18 वाट्स की जगह 30 वाट्स का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें दोस्तों इस डिवाइस के फ्रंट साइड के बारे में, तो इस डिवाइस के फ्रंट साइड के अंदर आपको एक 6.5 इंचेस का IPS LCD पैनल देखने को मिल जाएगा, जो कि FHD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आपको फ्रंट में एक पंच होल देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल सकता है। अभी कंफर्म नहीं है कि दोस्तों यहां पर आपको सोनी का सेंसर यूज करने वाले हैं या फिर नहीं। अगर यूज करें तो यहां पर आपको मोस्ट प्रोबेबली सोनी IMX471 का सेंसर को यूज किया जा सकता है। एंड साथ में बात करें दोस्तों इस डिवाइस के बैक साइड के बारे में, तो यहां पर आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह का ग्लास बैक डिजाइन आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल सकता है, जो कि लीक हो चुका है दोस्तों Realme Narzo 20 Pro का। और कैमरा मॉड्यूल तो आपको Realme 7 या फिर 7 Pro जैसा देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा, बट यहाँ पर सोनी सेंसर्स के जगह सैमसंग सेंसर को यूज किया जाएगा, जैसा कि हमें Realme 6 सीरीज के अंदर देखने को मिल गया था, जिसके वजह से इस डिवाइस का प्राइस हमें बजट प्राइस के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों Realme Narzo सीरीज के अंदर पहला ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है जिसके अंदर आपको वेल ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, वो भी एक बजट प्राइस पे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छा खासा डिजाइन देखने को मिल जाएगा, साथ में बढ़िया सा बैटरी बैकअप भी देखने को मिल जाएगा विद 30 वाट्स के फास्ट चार्जिंग के साथ। यहां पर आपको 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर्स को यूज किया जाएगा और साथ में यहां पर परफॉर्मेंस को लेकर MediaTek Helio G90T का पावरफुल चिपसेट भी दिया जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये काफी डिसेंट वेल ऑलराउंडर स्मार्टफोन होने वाला है इस प्राइस पॉइंट पे, और देखते हैं Realme इसे किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च करता है। जहां तक रूमर्स की बात करें, इसका प्राइस होने वाला है करीब 13,000 के प्राइस पॉइंट पे Realme Narzo 20 Pro का बेस वेरिएंट, जो कि 4GB ऑफ रैम और 64GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज के साथ आने वाला है, जिसका प्राइस आपको 13,000 रुपीस के अराउंड देखने को मिल जाएगा। जहां तक बात करें दोस्तों इस डिवाइस के लॉन्च डेट को लेकर, तो लीक्स के अकॉर्डिंग ये फोन आपको सितंबर के एंड तक देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, अगर आपको एग्जैक्ट लॉन्च डेट पता है तो कॉमेंट करके मुझे जरूर से बताना। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों, आई होप कि आज के वीडियो के द्वारा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।